بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين ہماری بحث فصل اسماعیلیہ میں اسماء الہیہ کے متعلق ہو رہی تھی جس میں ابن عربی محقق کیسری اور کچھ دوسرے عرفا انہوں نے اسماء الہیہ کی بحث کے ذیل میں کچھ تقسیم بندیاں پیش کی تھی. سب سے پہلی تقسیم بندی جو انہوں نے کی وہ کچھ طرح اس کو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسماء الہی جن کی جائگاہ یعنی جن کا مقام وہ مرتبہ واحدیت ہے تو ان اسماء الہیہ کا سب سے جامع و کامل اسم اسم اللہ ہے. اسم اللہ اور سات حرف ذکر کرتے ہیں الرحمن کو کہ اسم جامع اللہ و رحمان یہ ایک چیز ہے. اسی وجہ سے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ دو بڑے نام ہیں اللہ اور رحمان ان کے نیچے آتے ہیں چار اسم جنہیں امہات الاسماء کہا جاتا ہے یعنی اسماء کی ماں. وہ چار اسم عرفاء کی نگاہ میں جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر فرمائے ہیں کہ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن اول و آخر و ظاہر و باطن. تو یہ چار اسم جمع ہو جاتے ہیں یا یعنی اسم اللہ اور رحمان کی چھتری کے نیچے یہ چار اسم آتے ہیں. ان چار اسموں کے نیچے پھر سات اسماء آتے ہیں جنہیں آئمہ سبا اور عرفا کہتے ہیں. آئمہ سبا میں پہلا اسم حیات صفت حیات محی یا حی حیات علم علم سے عالم یا علیم کہتے ہیں ارادہ ارادہ سے مرید اسم مرید بنے گا. قدرت قادر بنے گا. سام کا اسم سمیع بنے گا. بصر کا اسم بصیر بنے گا اور کلام کا اسم سات اسم ہیں جن کو انہی سات اسما کو تو بس یہ سات اسما ان چار اسم کے نیچے آتے ہیں. ان کو آئمہ سبا کہتے ہیں اور چار اسموں کو امہات الاسماء کہتے ہیں اور وہ چار اسم اللہ جامع کی چھتری کے نیچے آتے ہیں. اچھا اب پھر ابن عربی نے جو پچھلے اس میں عرض کیا تھا کہ اسماء کی تقسیم کی تھی اس میں اسماء جلالی اور جمالی میں تقسیم کیے تھے لیکن ایک جو اہم تقسیم بندی ہے وہ اسماء ذات اسماء صفات اور اسماء افعال یا اسم صفت اسم ذات اسم صفت اور اسم فعل. فرماتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ ابن عربی کی نگاہ میں وہ اس جو معنی کے اعتبار سے جس کی دلالت ذات پر ظاہر تر ہو وہ اسم اسم ذات کہلاتا ہے
वो इसमें जात क्या रहता है, और वो इस जो माना के इतबार से जिसकी दलालत सिफात पर जाहिर दार हो तो वो इसमें सिफत कहलाता है। फिर फरमाया वो इस जिसकी दलालत अफआल पर जाहिर तर हो तो वो इसमें फेल कहलाता है। एक मिसाल देते हैं कि इसमें रब बमाने साबित इसमें जात है और इसका माना मालिक किया जाए तो इसमें सिफत है, और रब का माना मुस्लिह किया जाए तो इसमें फेल है। तो माना के एतबार से जिसकी दलालत जात पर जाहिर हो वो इसमें जात कहलाता है। मतलब इसमें रब का माना साबित किया जाए तो साबित माना के एतबार से इसकी दलालत रब की जात पर जाहिर है। तो लिहाजा वैसे भी रब क्या कहते हैं इसमें जात अमूमन मुतकल्लिमीन या वैसे भी अमूमी अलहान वो अल्लाह रब है, अल्लाह हमारा रब है। रब्बना अंज़िल अलैना मा'इदतन मिनस्समाए तकून लना ईदा, या रब्बे अरिनी कैफ तुहयी अल-मौत, रब्बना ज़लमना अन्फुसना इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन। तो अल्लाह को रब कहा गया, तो रब की जो है वो इसमें ज़ात। इसी वजह से अगर जिन्होंने इसका माना पालने वाला करके और कहा था कि दूसरों को भी इस पे इतला कर सकते हैं, तो चूंकि इसकी दलालत जात पर जाहिर था है तो इस वजह से ये इसमें जात है। लेकिन पर इसमें जात फकत अल्लाह का ही इसम होगा तो इस किसी दूसरे पे इसका इतला नहीं हो सकता। इसी वजह से यानी इंसाने कामिल में से किसी और को रब कहना इस माना में सही नहीं है, रब कहना इसमें जात के इतबार से सही नहीं है। अच्छा, इसी किस्म की फिर क्या कहते हैं ताबीर, मुहक्के कुनवी ने भी इसी किस्म की एक ताबीर तकसीम बंदी की है कि अस्माए अफाल इसमें फेल, इसमें जात, इसमें सिफात। तो वहां पे भी क्या कहते हैं यही फरमाया है कि वो आरिफ जो फरा फिल्ला, तो ये अस्माए इलाहिया उसके काल पे मुतजल्ली होते हैं तो उसकी खबर देता है। तो कहते हैं कि ऐसा शख्स जिसके काल पे ये अस्मा मुतजली हो वो तमाम असमा को बयान भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तमाम असमा उस पर मुतजली नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि जो उसके कलब पर इसमें जात, इसमें सिफत, इसमें फेल मुतजली हुआ भी है तो खबर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तमाम असमाए जात अफाल सिफात वो उसके कलब पर मुतजली नहीं हो सकते। बहरहाल ये बास आरिफ बाद और रफा का नजरिया है कि फकत वो असमा जो आरिफ ने दरियाफ्त किया है उनके मुतालिक वो खबर दे सकता है, उनके अलावा खबर नहीं दे सकता। अच्छा, इसके अलावा इस तकसीम बंदी के अलावा एक और चौथा इस्म जो है वो इसमें आजम की बहस है असमा में, कि इसमें आजम इस्माए जलाली और जमाली जिक्र किया था, अस्माए जात सिफात अफाल, और पहली तकसीम बंदी उम्महातुल अस्मा और आइमह सबा, ये पहली तकसीम बंदी। दूसरी तकसीम बंदी ये थी इसमें जात, इसमें सिफत, इसमें फेल, और तीसरी तकसीम बंदी अस्माए जलालिया और जमालिया के जो हम मैंने पिछले उसमें सेशन में अर्ज किया था। तो कहते हैं कि वो इस जिनका ताल्लुक कहर गजब से हो तो वो जलाली हैं,
और वो असमा जिनका ताल्लुक लुत्फ रहमत से हो तो वो जमाली होंगे। तो हर जलाल में जमाल और हर जमाल में जलाल है। ये खुद खुद मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में भी उनके खुतबे में भी है, सुबहाना मन इत्तसअत रहमतुहु लिऔलियाही फी शिद्दते निकमतिही, यानी शिद्दत गजब में भी नेमात है, यानी वो जलाल में भी जमाल है। तो फरमाते हैं कि ये तीसरी तकसीम बंदी थी। चौथी तकसीम बंदी इसमें आजम की, चौथी बैज अस्मा में इसमें आजम। कहते हैं कि इरफान में और इस्लामी रवायात में यानी अहदीस में गालिब तौर पर इसमें आजम, वो इसमें अल्लाह को ही इसमें आजम माना जाता है कि जो तमाम अस्मा का जामे जमी अस्मा व सिफात इलाही है, और इसमें अल्लाह को इसमें जात से भी याद किया जाता है कि इसमें अल्लाह इसमें जात है। अच्छा, अब इब्ने अरबी ने इसमें अल्लाह के दो माने जिक्र किए हैं। इब्ने अरबी ने इसमें अल्लाह के दो माने का कायल है इब्ने अरबी। पहला माना इसका कि इसमें जात है, दूसरा माना कि ये वो इसमें है जो जामे है तमाम सिफात का। तो कहते हैं कि अल है से इसमें जात कोई भी उससे मुतखल्लिक नहीं हो सकता, लेकिन अल है से जामियत सिफात कोई उससे मुतखल्लिक व मुतसिफ हो सकता है। अगर इस नजरिए को इब्ने अरबी के इस नजरिए को बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं कबूल नहीं किया है, खासकर चूंकि उन्होंने ये फरमाया कि इसमें जाती अल्लाह तखल्लुक के लिए नहीं है, ताल्लुक के लिए है। मिसाल के तौर पे जिस तरह अब्दुल करीम जीली, उन्होंने अपनी किताब अल कमालात अल इलाहिया फी सिफात अल मुहम्मदिया में इसमें आजम के बाब में यही लिखा है कि इसमें जाती अल्लाह ये जामे जमी अस्मा और सिफात है, लेकिन ये ताल्लुक के लिए है, तखल्लुक के लिए नहीं है, क्योंकि तखल्लुक मखसूस है अस्माए वो उन अस्मा से जो अस्माए सिफात है, और ये इसमें जात है, लिहाजा ये ताल्लुक के लिए, आप ताल्लुक के लिए है इसमें, तखल्लुक के लिए नहीं है, लिहाजा गैर खुदा इससे कोई मुतखल्लिक नहीं हो सकता। इब्ने अरबी ने फरमाया कि नहीं, अल है से इसमें जात कोई इससे मुतखल्लिक नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि जामे सिफात भी है तो लिहाजा इससे मुतखल्लिक हुआ जा सकता है। यानी मुराद यह है कि वो इलाह और मालूक और वो जो तस्वुर है जो कि ज्यादा मेरे ख्याल में दूसरे लोगों के नज़दीक ज्यादा काबिल कबूल नहीं है, जो दीनी लोग हैं, मिसाल दे रहा हूँ उलमा फुकहा ये लोग। अच्छा, ये इसके बारे में इसमें आजम इसमें आलम के बारे में भी बड़ी बड़ी बहसें हैं कि क्या है। तो ज्यादातर उरफा ये कहते हैं कि इसमें आलम वही इसमें अल्लाह है। अच्छा, एक इसमें आजम यानी क्या कहते हैं अल्लाह है, और एक कहते हैं कि इसकी हकीकत है कि क्या कहते हैं, एक तो लफ्ज है और एक इसकी क्या कहते हैं, एक अल्लाह है और दूसरा वो लफ्ज है कि जो औलिया इलाहिया में से कोई भी उसे आगाही नहीं रखता, और इसमें आलम को मकाम जम और जम के एतबार से भी याद किया जाता है। ये इसमें आजम की एक तकसीम थी इस अस्मा के बारे में, यानी एक बहस थी अस्मा के बारे में कि एक इसमें आजम भी है। तो अगलब और अफा इसमें आजम वही इसमें अल्लाह को ही इसमें आजम होते हैं। पांचवी जो बहस है वो इसमें मुस्तासर, कहते हैं कि इसमें मुस्तासर की भी बहस मौलद इख्तलाफ है। अच्छा, इब्ने अरबी फरमाते हैं कि इसमें मुस्तासर का कोई मजहर नहीं है, इसमें मुस्तासर का कोई मजहर नहीं है, लेकिन कुछ उरफा कहते हैं कि नहीं, इसमें मुस्तासर का भी मजहर है, लेकिन इसका मजहर भी मख्फी है, मजहर इसका मख्फी है। अच्छा, मुस्तासर के क्या माना, कहते हैं मुस्तासर का माना बरगुजीदे, बरगुजीदे यानी जो इंतखाब शुदा, जिसे मुंतखब
इंतखाब किया गया हो। और इसमें मुस्तासर वो इस्म है कि हक ताला ने जिसे अपने लिए इंतखाब किया है और वो इस उसके इल्म इस्म का मतलब ये होता है, और वो इस्म जिसका आलम में जहूर ही ना हो तो उस पर इस्म का इतलाक करना भी सही नहीं है, उस पर इस्म का इतलाक करना भी सही नहीं है। क्यों? कहते हैं कि इस्म को मजहर की जरूरत होती है, लेकिन मुमकिन है कि बार अस्मा का जहूर हो, यानी बार अस्मा का जहूर और तायुन इस आलम में हुआ ही ना हो, और जब ताल्लुक और जहूर नहीं हुआ तो कोई उसको का इदराक भी नहीं कर सकता। तो फरमाते हैं कि अलबत्त अब्बास ने कहा कि बस इसका जहूर भी मख्फी है, जैसे कुछ और मसलन फरमाते हैं कि जिस तरह गैब मुतलक के बारे में कहा कि गैब मुतलक वो अल्लाह की जात है, उसको कोई नहीं जानता। जो बहरहाल कहते हैं कि ये इसमें मुस्तासर वो इस्म है जिसे अल्लाह ने अपने लिए इंतखाब किया है और उसका कोई मजहर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्म का इतलाक भी सही नहीं है इसके ऊपर करना। इस्म इसमें हक का जहूर होता है एक सिफत के साथ, दर हाली की इसमें हक का जहूर हुआ ही नहीं है, ना ही तायुन हुआ है ना ही जहूर है, तो लिहाजा इसमें मुस्तासर का जब जहूर नहीं है तो मजहर भी नहीं है। ये एक नाम है जो अल्लाह ने अपने लिए खास किया हुआ है। तो फरमाते हैं कि अच्छा, जो इसमें मुस्तासर का मजहर मानते हैं वो कहते हैं इसका मजहर वही इंसान कामिल है। तो कहते हैं कि वो उस अपने बातिन के एतबार से उस इसमें मुस्तासर से इंसान कामिल आगाही रखता है। तो फरमाते हैं कि हक ताला के बहुत सारे एक हजारों एक इस्म है और उनमें से एक इस्म मुस्तासर जो इल्म गैब में आए। तो कहते हैं कि इस वाले से लैलतुल कद्र भी मुस्तासर है। क्यों? क्योंकि लैलतुल कद्र भी क्या कहते हैं बुनिया मुहम्मदी भी नींद इसमें मुस्तासर है। तो फरमाते हैं इस हवाले से इसमें मुस्तासर से आगाही हक ताला और पैगंबर के अलावा किसी को नहीं है। और लैलतुल कद्र के बारे में भी चूंकि वो भी लैलतुल कद्र भी इसमें मुस्तासर है तो उसके बारे में भी आगाही किसी को नहीं है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। तो बहरहाल ये एक अस्माए इलाहिया की बहस थी, अगरचे फिर इस अस्माए इलाहिया की बहस और आगे बहुत ज्यादा है कि अस्माए इलाहिया और आयान साबिता कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है, ये बहस बाद में इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं आयान साबिता की बहस होगी तो वहाँ बहस करेंगे कि आयान साबिता का अस्माए इलाहिया से क्या ताल्लुक। अभी फकत हमने अस्मा इलाहिया की बहस की है। अच्छा, ये एक बहस थी जो फस्से इस्माइलिया में लेके आए हैं इब्न अरबी जो एक बहस लेके आए, यानी जो फस्से इस्माइलिया का आवाज भी अस्मा से किया था। तो ये सारे के सारे अस्मा चूंकि मर्तबा वाहदियत में है और मर्तबा वाहदियत उस अहदियत का तफसील है, तो अस्मा ऐन मुसम्मा है। इस बात को उन्होंने क्या कहते हैं इब्तिदा में जिक्र किया। अच्छा, जो फिर आखिरी जो एक बहस जो कि फस्से इस्माइलिया में वो है वाद व वईद और जन्नत और जहन्नम के बारे में, वाद व वईद और जन्नत और जहन्नम के बारे में। क्यों? क्योंकि वहां पे हजरत इस्माइल के बारे में फरमाया कि कान सादिक अल वाद, वादे के सच्चे थे, तो इस बना पर वो वादे और वईद की बहस लेकर आए हैं।
वादे और वईद की बहस कि वादा खिलाफ वादा, जैसे कहते हैं ना जी आपने वादा किया था तो खिलाफ वादा सही नहीं है, तो खिलाफ भी और आम लोग भी जो अच्छे लोग हैं वो कभी वादा खिलाफ वादा खिलाफी को अच्छा नहीं समझते। कहते हैं कि खिलाफ वादा करना अल्लाह के लिए नामुमकिन है, लेकिन खिलाफ वईद जो है वो अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैं खिलाफ वईद नहीं करूंगा। वईद का खिलाफ मुमकिन है, वादे का खिलाफ मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि पहले कुछ फुसूस में, कुछ फुतूहात में इन्होंने बहस की है इस बारे में, लेकिन फसे इस्माइलिया में जो इनकी बहस है वो मुहकमात थी, जगहों पे बहस जो थी वो मुतशाबे हाथ के मकाम पे थी, और ये इस बाब में मुहकमात के मंजिल पे ये बहस फायज है जो इब्ने अरबी ने फसे इस्माइलिया में किया है। तो इस फस में इब्ने अरबी ने दो बुनियादी नुकतों को उठाया है, जिनमें से एक ये है कि कोई भी अल्लाह ताला का वही जो है वही जहां पे अल्लाह ने डराया कहा कि मैं ये काम करेंगे तो उसके बदले में वादा किया कि मैं आपको जन्नत दूंगा, ये हर सूरत अल्लाह करेगा। लेकिन ये कि अगर आप क्या कहते हैं खिलाफ मसलन ये गुनाह करेंगे तो मैं आपको जहन्नम में भेज दूंगा, ये जो वईद है जहाँ पे वईद यानी जहाँ पे धमकी दिया अल्लाह ने, जहाँ पे डराया है, तो इसके खिलाफ अल्लाह के लिए मुमकिन है। तो फरमाते हैं कि इब्ने अरबी फरमाते हैं इस फास में कि अल्लाह ताला की जितनी भी वईद है वो अमली नहीं होंगी, वईद अल्लाह की वो अमली नहीं होगी, उस पर अमल किसी सूरत नहीं होगा। क्यों? ये पहला नुकता। दूसरा नुकता जो उठाया है, फरमाया कि तमाम दोषी जो होंगे बगैर किसी कैद और शर्त के नेमत इलाही में वारिद होंगे, फकत फर्क ये होगा बहिश्तियों की नेमत और बहिश्तियों की नेमत और दोषियों की नेमत के बारे में, जो हकीकी कोई फर्क नहीं है, यानी जाती फर्क नहीं है, हकीकी फर्क नहीं है, बल्कि एक सूरी फर्क है। वो इस तरह है कि जहन्नम की आग की जो सूरत होगी वो एक में जहन्नम की आग की सूरत होगी और दूसरी में हूर और कसूर की सूरत होगी। दोनों क्या है? नेमात इलाही है, वो भी आग दोजख की आग की जो सूरत है वो भी नेमात इलाही है, और सूरत हूर और कसूर भी नेमाते बहिश्त में से है। तो कहते हैं कि ये इस तरह की अगर हम इनकी मिसाल बयान करें, इनके अकीदे के वो मिसाल में बयान करें तो इस तरह है कि दोषियों की नेमात की मिसाल इस तरह है कि आप एक अंगूर को लें, वो जो अच्छे अंगूर आए, वो जो काले अंगूर और वो क्या कहते हैं स्याह अंगूर, वो समझ लें बहिश्तियों की नेमात है, और जो अभी कच्चे अंगूर है सब्ज अंगूर और सुर, उनको आप समझ लें क्या कहते हैं दोषियों की, या मिसाल क्या कहते हैं यानी या इस तरीके से कि दोषियों की नेमात वो अंगूर जो गल सड़ गए हो वो ले लें, और बहिश्तियों की वो जो अभी ताला और जो है ना क्या कहते हैं सुर्ख अंगूर। तो कहते हैं दोनों अंगूर लेकिन उनके जो है ना मजे में और उनके जायके में फर्क है। कहते हैं बहिश्तियों की नेमात और नेमाते जहन्नम दोनों एक चीज है, लेकिन फर्क इनमें सूरी है, हकीकी फर्क नहीं है कि एक में सूरत नेमत है वो आपकी सूरत में उसकी सूरत है, दूसरे में हूरों का सूर है। इसको फिर इस तरीके से उन्होंने फरमाया कि असना बिसिदकिल वादे ला बिसिदकिल वईदे वला हजरतिल इलाहिया तत्लुबु सना अल महमूद बिजात फयस्ना अलै बिसिदकिल वाद ला बिसिदकिल वईद। ये सारी की सारी बात बहस की फसे इस्माइलिया में। फिर फरमाया कि फलम यबके अल्लाह सादिकल वादे वहदहू वबल वईदुल हक्कु ऐनन
तो आयन हो इन दखल उदार शिका के फैन मला लज्जत फीहा नईम उबायन नईम जनान الخلد والامر واحد وبينهما عند التجلي تباين يسمى عذابا من عذوبه هي طعمه وذوقه كالقشر والقشر صاعن. कहते हैं कि जो कुछ इसका खुलासा इस तरह बयान करते हैं कि जो कुछ चीज जो महबूब चीज है वो वादे का सच्चा होना महबूब है, धमकी को अमली करना महबूब नहीं है। मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप एक शख्स कह रहे कि मगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको मसलन जो है ना वो मार डालूंगा, मिसाल दे रहा हूं। तो ये इस मार डालने को अमली करना ये सादिक अलवाईद ये किसी सूरत में पसंदीदा चीज नहीं है। लेकिन जब आपने वादा किया है कि यार आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं उसके बदले में ये काम करूंगा, तो वो जो वादा आपने किया है तो वादे को अमली करना वादे को अंजाम देना ये उकला और क्या कहते हैं और आम लोगों की नजर में भी एक पसंदीदा चीज है। तो फरमाते हैं कि सिद्ध के वाद पसंदीदा चीज है, सिद्ध के वाइद पसंदीदा नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुदावंद करीम वादा के बरखिलाफ किसी सूरत अमल नहीं करेगा, लेकिन ये नहीं फरमाया कि वईद के खिलाफ भी अमल नहीं करेगा, बल्कि ये फरमाया कि आपके गुनाहों को मैं बख्श दूंगा रब्बना, मैं आपके गुनाहों को बख्श दूंगा, बावजूद इसके कि ये कहा कि गुनाह ना करें, गुनाह करेंगे जहन्नम भेजूंगा, लेकिन साथ ये भी कहा कि अगर आप गुनाह करेंगे तौबा करेंगे मैं बख्श दूंगा, तो बख्शने की भी बात की। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में इस्माइल को सिद्ध के बाद से इस्माइल की तारीफ की है कि काना सादे कलवा हजरत इस्माइल वादे के सत्य थे। तो कहते हैं कि असलन फिर साथ ये दूसरी चीज करते हैं मुक्तक बताते हैं कि असलन तहक्को के वईद खुदावंद करीम की तरफ से वो धमकी और वो वईद का तहक्को होना ये असल नामुमकिन है, यानी मुमकिन ही नहीं है कि ये वईद मुतहक्क हो, यानी मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ने कहा जहन्नम में भेजूंगा जलाऊंगा पूरी जिंदगी, तो ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बाब में जो वादे का वाक्य होना वो अल्लाह के लिए जरूरी है वादे का, लेकिन वईद का वकू क्या है वो जवाल पजीर है। ये दोनों अपनी जात में यानी जरूरी नहीं है कि वईद को मुतहक्कक करे। तो कहते हैं कि दोनों की जात में ये चीज नहीं पाई जाती, वादे की जात में भी नहीं पाई जाती और वईद की जात में भी नहीं पाई जाती चीज कि उसको अमली किया जाए। लेकिन मसला यह है कि वादे को वाके करने में एक मुरज्जह पाया जाता है, तरजीह एक चीज है जिसकी वजह से उसको हम तरजीह देते हैं। वो मुरज्जह क्या है कि असलन ये खुद बिनफ्सी बिजात ही वादे पे अमल करना ये ममदू है, पसंदीदा अमल है। तो फरमाते हैं कि लेकिन वईद का वाके होना धमकी का वकू क्या है इसके लिए मुरज्जे भी नहीं आए। जब मुरज्जे नहीं आए तो इसके वकू में कोई रहमत ही दरकार नहीं है, जिसके नतीजे में असल वकू का वाके होना वईद का वाके होना असल नामुमकिन है। बस हक ताला फकत सादिक अल वाद है, सादिक अल वईद नहीं है, लिहाजा वईद इलाही मुतहक्कक नहीं होगी। दोज़खियों में से हर कोई दोज़ख में आएगा, लेकिन बगैर तर्दीद के सब दोज़खी नेमत इलाही से बहरामंद होंगे। फर्क यही होगा कि इन दोनों की हकीकत वाहिद है, फर्क फकत सूरत और तजल्ली में है। दोज़खियों की नेमत जो है
फकत उसका जायका कड़वा है, रोजगियों की जो नेमत है उसका जायका कड़वा है। लिहाजा कहा है कि अज़्म, अज़ाब अज़्म से है। तो फरमाया कि जी महबूबान की नजर में अजाब है, आपकी नजर में अजाब होगा, महबूब जो सामने देखने वाले हैं मुतकल्लम फला का, लेकिन अहले कश्फ की नजर में ये चीज अजाब ही नहीं है। यानी हकीकत ये क्या है, जायके मुख्तलिफ है। तो फरमाते हैं कि ये इसी बात को फिर इब्ने अरबी ने क्या कहते हैं फुतूहात में भी, फुतूहात में भी इसी बात को जिक्र किया है 305 बाब नंबर 305 में कि तमाम तमाम लोग अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को खुदा परस्ती की फितरत पे खल किया, उस मिसाक पे खल किया जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलस्तु औलाबिकुम। तो फरमाया कि सब ने इकरार किया अल्लाह की तौहीद का, तो कहते हैं कि लिहाजा वो जो बुत परस्त है वो भी मुवाहिद है। जब इस तरह है कि तमाम लोगों ने अपनी हकीकत में फितरत में चाहे जितने भी इंसान थे सब ने उसकी वहदानियत का इकरार किया था, तो लिहाजा बुत परस्त भी मुवाहिद है, लिहाजा कोई काफिर ही नहीं है। यानी काफिर ही निकाल दिया उन्होंने, जब काफिर ही नहीं है तो कोई अजाब वगैरह भी दरकार नहीं है। फमा आबदा कुल्लु आबिदिन इल्लल्लाह, जो भी इबादत करने वाला है वो फकत अल्लाह की इबादत करता है। फसाह बकाउ तौहीद लिल्लाह, अब अल्लाह की तौहीद फकत तब बका रह जाता है। अल्लज़ी अक़र्रु बिही फिल मिसाल, जिसके इकरार किया था इन्होंने मिसाक में। वैनमा आबदु अस्सूरा लिमा तखय्यलु फिया मिन रुतबति तरातर, ये जो बुत परस्त बुतों की जो जो अभी यहाँ आके कर रहे हैं बुतों की पूजा, ये फकत सूरतों की पूजा है, वो जो उनके तखय्युलात में रुतबे तकर्रुब रखती है उनकी पूजा है, वगरना वो जो दिल वाके अपनी फितरत और जात में वो भी मुवाहिदा है। फिर इसी के साथ क्या कहते हैं इस्तेनाद करते हैं उस हदीस से पैगंबर की कि जिसमें फरमाया कि साबा का तरहमत, हदीस कुदसी से साबा का तरहमत ही अला गज़ब, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत करती है। तो लिहाजा इब्ने अरबी फरमाते हैं कि रहमत अल्लाह ताला रहमत ज़ातिया मुतलक रखता है, लिहाजा तमाम के तमाम आलम में सब लोग मशमूल रहमत व इनायत परवरदिगार होंगे, अल्लाह ताला के गज़ब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गजब एक एक वो अमर है जो अदम ही अमर है, यानी ना होना है गजब, एक रहमत का ना होना गलब है। तो फरमाते हैं वहा शाल जनाब अल्लाह मिन तक़यीद वहुल क़ायल बिन रहमतहु सबकत गजब फलाहिक अलगलब बिल अदम। फिर फरमाते हैं कि अहले नार जो है, अहले नार कहते हैं ना कुरान में अहले नार, जहन्नमियों को कहा गया अहले नार, तो मैं अहले नार और अहले अदाब में फर्क है, दोनों का एक माना नहीं है अहले नार और अहले अदाब का, कि फुला अहले अदाब है फुला अहले नार है, दोनों में फर्क है। कहते हैं कि जो कुछ शरीयत में आया है कुरान में या अहदीस में कि अहले नार आया है ना अहले अदाब, शरीयत में जो कुछ आया है वो अहले नार है ना कि अहले अल्लाह। तो फरमाते हैं बस वादे है कि बहुत सारे फरिश्ते जैसे वो दोजख जो जहन्नम के ऊपर जिनकी ड्यूटी होगी वो खाजन जहन्नम, वो फरिश्ते भी कुरान की तसरीह के मुताबिक अस्हाबुन नार है, वो फरिश्ते भी लिहाजा अस्हाबुन नार हैं, लेकिन वो अहले अदाब नहीं है, यानी बगैर किसी शक शुबा के वो अहले अदाब नहीं है लेकिन अहलुन नार है अस्हाबुन नार है। तो फरमाते हैं कि पास जितने भी काफरों के मुख्तलिफ फिरके गुनहगारों के मुख्तलिफ ग्रोह दरजा सब के सब रहमत मुतलका इलाहिया सब के शामिल हाल होगी।
लेकिन फर्क ये होगा जन्नत की नेमत और जहन्नम की नेमत में फर्क है। फर्क ये है कि उनका जुदा हो दूर होना दोजख से उनके लिए अजाब होगा। दोजख से दूर होना ही उनके लिए अजाब होगा कि वो अपने मकाम से मानूस हो, अपने मानूस मकाम से जुदा हो गए। तो फरमाते हैं भैया यकफी मिन शारे अत्तारीफ बकौल ही अम्मा अहलुन नार अल्लदीना हुम अहलुआ वलम यकुन अहलुल अला वला यलजम मिन من كان من أهل النار الذي يؤمرها يكون معذبين فيها فإن أهلها وغمارها هم مالك وخزنته وهم ملائكة وغيرها من الحشرات ولا واحد منكم تكون النار وله عذاب। तो कहते हैं कि ये अजाब, ये क्या कहते हैं, रहमते मुतलका इलाहिया का क्यामत के दिन जहूर होगा। तो जितने भी लोगों ने अल्लाह के अहकाम को बजा नहीं लाया था सबको पादाश और जजा मिलेगी। कोई भी गुनहगार शख्स मुआखदा नहीं होगा, चाहे वो गुनाहान कबीरा का मुर्तकिब हो चाहे सगीरा का। तो फरमाते हैं कि दोजखी इस तरह हो जाएंगे कि जिस तरह किसी को कोई बीमारी लगती है, लेकिन हमेशा के लिए जो ख्वाब में चले जाते हैं। तो फिर फरमाते हैं अलबत्त इसके ऊपर बहुत सारी इब्ने अरबी ने क्या कहते हैं ग्रो किए हैं गुनहगारों के काफिर मुशरिक सबका के दर्जात तबकात बयान किए हैं। फिर एक एक करके जो है ना वो बात किया है कि इन सबको आखिर में शरीयत में भी जो कुछ है, तो फिर वो कुछ हदीस भी लेके आया है सही बुखारी से या सही मुस्लिम से कि वो भी आखिर में जहन्नम खाली हो जाएगी। तो फरमाते हैं कि ये जो जिनको अजाब अहले अजाब भी होंगे तो उसमें वो भी उनके लिए, चूंकि जिस तरह कीड़े को एक गंदगी से लज्जत हो जाती है वो भी अजाब भी उनके लिए लज्जत होगा। तो अजाब जब उनके लिए वो लज्जत होगा तो वही जो चीज थी उसी से ही क्या कहते हैं वो जो अबदियत वाली चीज है वो खत्म हो जाएगी। जब खत्म होगी तो सारे के सारे जितने भी तबका चाहे काफिर है मुशरिक है सारे के सारे आखिर में, चूंकि मुशरिक भी दर हकीकत बुत यानी जाहिरान बुत परस्त हैं दर हकीकत वो भी मुवाहिद, अल्लाह सबको अहले अज़ाब इस तरह के उनको उस नेमत दोजख से बहरामंद करेगा। बहरामंद करने के बाद फिर उनको दोजख को खाली कर देगा और सारे के सारे लोग मशमूर में रहमत परवरदिगार होंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है सबकत रहमती गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब से सबकत करती है। तो जब मेरी रहमत मेरे गजब से सबकत करती है तो अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी सादिर हुआ है वो रहमत मुतलका परवरदिगार है। तो रहमत मुतलका परवरदिगार छतरे में गजब हमारी नस्बत आ जाता है। तो हमारी नस्बत जो कुछ हो तो ये एक अदमी चीज है। लिहाजा सारे के सारे जहन्नमी आखिर में सब जन्नत में जाएंगे। क्या कहते हैं कुछ में तो कहा है कि नहीं सारे गुनहगार भी इब्तिदा में उसमें चले जाएंगे, लेकिन जो कुछ फसूसुल हकम ने बात की है उसमें यही फरमाया कि सब चूंकि कुरान और हदीस को भी मिलाया तो उसमें यही फरमाया कि हदीस भी आया कि जहन्नम खाली हो जाएगी। तो ये जो जितने भी लोग जिन्होंने कुछ जहरी तौर पे इर्तिकाबात किए होंगे उनको वो सलाह मिलेगी, तो वो सलाह ही उनके लिए वो नेमत होगी। तो बिल दर हकीकत वो सारे के सारे मशमूल रहमत मुतलका परवरदिगार होंगे और आखिर में सब के सब उसी जहन जन्नत में होंगे। ये एक इनकी बहस का खुलासा था कि इन्होंने फरमाया कि इस्माइल सादे कलवाद थे, वादे के सच्चे थे।
सादे कारोबार क्यों कहा कि वादे का सच्चा होना जाती तौर पे पसंदीदा चीज है, वादे को अमली करना जातन पसंदीदा है, लेकिन वो धमकी को अमली करना जाती तौर पे पसंदीदा नहीं है। जैसे कोई कहे मैं आपको मार डालूंगा और ना मारे, दरहकीकत मारेगा तो ममदू चीज नहीं होगी। धमकी का मुतहक्कक होना ममदू नहीं है, उसका मुतहक्कक न होना ममदू। तो बहरहाल किसी जगह पे वाद वईद को लेके आया है, किसी जगह पे अहल नारे वासहाबुल जन्ना को लेके आया है, मुख्तलिफ उन्वान से इस बहस को उन्होंने फतुहात में और फसूसुल हकम के मुख्तलिफ फसों में ये बात जिक्र की है। मेरे ख्याल में आज की बहस का ये खुलासा था, फस इस्माइलिया, ये खुलासा था पूरी फस का। अस्मा इलाहिया की बहस थी और इस्माइल सादिक अलवाद थे, और ये बहस सारी इस फस में देखा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफरेंट और पेचीदा किस्म की बहस थी आज की। तो एक दो तीन सवाल हैं, एक एक करके पूछ लेती हूँ। एक तो वो इसमें आजम के बारे में, अगर हम उसको इसमें अल्लाह की समझें तो उसकी फजीलत के बारे में जरा मुख्तसर बयान कर दें। वो जैसे हम देखते हैं वो जो दरवेश हैं, जो तुर्की वगैरह में भी वो भी जब घूमते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह हू ही कहते हैं, तो एक इसका जरा मुख्तसरन बयान कर दें, फिर मैं अगले दो सवाल पूछ लेती हूँ। देखें इसमें अल्लाह है, लेकिन इसमें देखें इसम तो है ये अल्लाह, लेकिन जो दरवेश होते हैं वो इसकी हकीकत के पीछे जाते हैं। तो इसकी हकीकत में उसकी कोने तक जब जाते हैं, यानी इसकी हकीकत तक जब जाते हैं, तो आगे आगे जितना ही यानी अंदर जाएंगे, जितना ही उस यानी कश्फ शहूद के सारे मरातब को, दर्जात को मद्देनजर रखकर उसकी हकीकत में जितना ही आगे जाएंगे, तो उतना ही उसके लिए वो जो इसमें आजम की जो हकीकत है वो वाज तर होगी। चूंकि ये इसमें शक नहीं है कि अहले काश शहूद खुद इंसान है कामिल, सबके दर्जात हैं, तो दर्जात के एतबार से इसमें आजम की हकीकत को जानना भी फर्क है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और दूसरा आपने कहा है कि इब्ने अरबी का ये कहना है कि जो दोजख है वो भी वहां पे होना भी वो ऐसा ही है कि उसका जायका फर्क है जन्नत से, और आपने उसमें शायद ये भी बयान किया है कि वो शायद ख्वाब में चले जाएंगे अहले दोजख। तो मेरा सवाल ये है कि जो वो अजाब के बारे में जो बयान है जो हमें अहादीस वगैरह में मिलता है, वो कील वाला और पस वाला और गर्म खोलते हुए पानी वाला और वो सारी चीजें, तो क्या इब्ने अरबी उसको नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो उसको फिर हम सिर्फ ये कैसे कह सकते हैं कि वो जायके में फर्क है या सिर्फ वो जन्नत से दूरी ही बेसिकली दोजख में होना है? देखें इब्ने अरबी ने कुरान की आयात को, सारी आयात में तावील के कायल हैं इब्ने अरबी। तो तावील जब करते हैं तो तावील में जाते हैं तो जाहिरी तौर पे लगता ही है कि कोई राबती नहीं है इस तावील का जो ये समझ रहे हैं और जो कुरान की जाहिरी आयत वाले मुफस्सिर मुतकल्लिम फलसफी कुछ और समझ रहे होते हैं। और इसी वजह से उन्होंने इतराज भी किया कि ये इब्न अरबी ने अपनी तरफ से जो है वो निकाल के लिया है। लेकिन इब्न अरबी जिस गहराई में जाके ये बात फिक्र करते हैं और उस जाहरी जो कुरान का लफ्ज है उसको उसकी गहराई में जाकर जो चीज अक्स करते हैं उससे जोड़ते हैं, जोड़ के जो नतीजा निकालते हैं वो फकत इब्न अरबी का अपना ही खास है। लेकिन देखें ये बात तो मुसल्लम है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, यानी अल्लाह की रहमत रहमत मुतलका है। अच्छा, गजब अल्लाह की गजब जो है, या मिसाल दे रहा हूँ, जन्नत असल यह है कि हम अच्छे अमल करें। अच्छा, अच्छे अमाल का ना होना जहन्नम बनती है, वगरना हकीकत जो है वो क्या कहते हैं वो जन्नत ही है, लेकिन उसकी सूरत जब उस पर अमल नहीं होगा तो सूरत उसकी फर्क कर जाएगी, सूरत फर्क करेगी कि वो सूरत आतिश बन जाएगी। तो इसमें तो शक नहीं है कि
ये जितने भी मफाहीम अदमी जिनको कहा जाता है फलसफे और इरफान की इस्तेमाल में, ये इस मखलूकात की नस्बत आकर माना पैदा करते हैं, मगर ना अल्लाह ताला के पास रहमत रहमत बार बार फरमाते हैं, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत करती है, मेरी रहमत गजब होता है, गजब हमारी नस्बत आके गजब हो जाता है, मगर ना अल्लाह की तरफ से जो कुछ है वो रहमत ही रहमत है। तो जब रहमत ही रहमत है तो आगे जब अगर गुनहगार लोग हैं और गुनहगारों ने आमाल अंजाम दिए हैं खिलाफ अल्लाह ताला के कहने के बरखिलाफ अमल किया है, तो हो सकता है अल्लाह ताला उनको वक्ती तौर पे सलाह दे कि वो सलाह भी दर हकीकत उनके लिए वो नियमत है, लेकिन यानी वही हकीकत उसकी एक ही है, हकीकत जन्नत और यानी सूरतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये कहना कि जहन्नम में हर अबदी तौर पर रहेंगे ये बात दुरुस्त नहीं है। और उस पर फिर वो हदीस भी लेके आते हैं और फरमाते हैं कि वो जहन्नम खाली हो जाएगी और उसमें खेती बाड़ी और उसको क्या कहते हैं किशावर्जी की जाएगी, ये इस किस्म की भी एक हदीस वो सियासत तसल लेके आते हैं। जी ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल मेरा ये है कि वो ये कहते हैं कि जो अलस्तु बि रब्बिकुम वाले अहद की तरफ इशारा करते हैं और ये कहते हैं कि सब मोहिद हैं चाहे वो अभी शिर्क भी कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि जब हमने शिर्क कर रहे हैं वो एक चीज को जो है ना वो उस तकर्रुब के उसमें कायल है कि ये इस चीज में है जो उसका जलवा है उसकी, वो उस यानी उसको वो समझ नहीं रहे होते, वो अल्लाह यानी उसका जहूर उसमें समझ गए होते हैं। दर हकीकत जिसका इकरार सबने किया था वो वही अल्लाह की वहदानियत है। तो सब इंसान अपनी जात और फितरत में मुवाहिद है, वो फिर इतना शिर्क के भी इतना कायल नहीं है, और अलबत्ता उबाजर फिर कहता है शिर्क है ही नामुमकिन, शिर्क का वकूह भी मुमकिन नहीं है, ये करेगा बहस। अच्छा लेकिन इसमें इफाल साहब मेरा ये सवाल था कि जब हमने वो अहद लिया था तो वो तो बस हमारी रूहों ने अहद लिया, तो उसमें वो जो एक चॉइस की बात है वो तो नहीं थी, वो तो दुनिया में है, तो वो दुनिया में जब उन लोगों को चॉइस मिली है तो वो उन्होंने तो अल्लाह की वहदानियत को उस तरह से इकरार नहीं किया, और जिस तरह मुशरिकीन मक्का को आप देख लें और वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तकालीफ पहुंचाई, इस तरह दूसरे अम्बिया की जो कौमें थी। जी जी वो यही कहते हैं कि वो हकीकत वहां पे हमारी फितरत थी जिससे इकरार लिया गया था, वो सब उस पे मुत्तफिक थे, लेकिन यहाँ आके जब चॉइस हुई तो चॉइस में हम यहाँ के आपने किसी में एक में जहूर उसका जाना, मैंने किसी और में जाना, दूसरे किसी और पे जाना, लेकिन ये सारे के सारे जो है वो जो बहस है कि उसका जहूर एक चीज में जान लेना इसी को यानी जान लेने से ये नहीं हो सकता कि आप मुशरिक हैं। जात में इंसान मुवाहिद है, उसके जहूर को एक में करार देने में वो इश्तबा कर रहा है, तो उस इश्तबा का उसको उस गलती का इश्तबा गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसे सजा मिलेगी, लेकिन वो सजा तो इस तरह नहीं होगी कि अब भी सजा होगी, वो एक टहनी वाली सूरत है, सूरत आतिश में वो भी उसमें लदीद होगा, जनूती हूरों में लदीद हो रहे होंगे, ये सूरत आतिश में लदीद लज्जत दोनों में है, वो अजब से फिर कहते हैं कि अजाब को अजब खाया गया, यानी अजब कहते हैं मा अजबिन यानी मीठा पानी, तो इसको भी वो कहते हैं ये अजाब भी मीठा है, मीठी चीज है, उसका जायका भी मीठा है, मैं ये सोच रही हूँ अगर आम लोगों तक ये पहुंच जाए फलसफा तो जो दो चार नेकी के काम करते हैं वो भी छोड़ दे कि मीठा पानी है जो जायके फरमाया वो जो अबू सईद अबुल खैर का वाक्य है कि जब उन्होंने भाई यदि बस्तानी का तो मुकाशवे में कहा था कि मैं क्या कहते हैं हाँ अल्लाह ने फरमाया कि तेरा बातें मैं अगर लोगों के सामने आश्कार करूं तो कोई तबाह ही नहीं करेगा जो लोग आपके पीछे बातों को मानते, तो उसने पलट के कहा कि परवरदिगार मैंने जब तेरी रहमत
बता दी लोगों को तो कोई तेरी इबादत ही नहीं करेगा। एक मजाक के तौर पे एक लतीफे का लतीफा भी बना हुआ है इरफान में, और ये बात भी है कि उसकी रहमत का ये जब जो आप देखे कुरान में जगह जगह पे अल्लाह ताला जगह जगह पे बहाने हैं कि आप मुझ मेरी तरफ आए, बस सारी चीजें खत्म कर दी। तो ये क्या चीज है, ये सारी चीज क्या कहते हैं। ये मैं इब्न अरबी को पढ़ने से पहले मैं खुद जहन में ये सोचता था, अलबत्ता मैं क्या कहते हैं कुरान हदीस और जो अहलुल बैत की रवायत कहीं पे ये नहीं आया कि नहीं समझ रहा सारे जन्नत जन्नत में जाएंगे या सारे जन्नत में जाएंगे, लेकिन जो कुछ मेरी अपना मेरा अपना जो उससे इस्तेमाल था वो यही था कि हो नहीं सकता कि सब जो है ना वो दिल नहीं मानता था कि यानी इब्न अरबी के नजरिए के करीब करीब ही जो है ना वो जेन मानता जी था माशाल्लाह। जो चले दिल जी, के करीब। अल्लाह ताला जो है इसके ये जानने के बावजूद भी हमारे अंदर अपने कुर्ब की ख्वाहिश मजीद तर करें कि हम उसकी रहमत अल्लाह और मोहब्बत जो है उसको लेके चले। बहुत शुक्रिया। जी, और किसी की कुछ सवाल? बहुत अच्छा बयान था, अरे बस एक दो वजाहत चाहिए थी। आपने एक इसमें मुस्तासर बयान किया, तो ये कोई नाम है मुस्तासर या अल्लाह का नाम इसमें जो? मुस्तासर कहते हैं जी, जैसे इसमें आजम अल्लाह है तो तो इसमें ये नाम आजम अल्लाह का मजहर, उसका सॉरी उसका जहूर है, उसका इसमें आजम अल्लाह है, अल्लाह का मजहर है, मजहर वो इंसान कामिल है। इसमें मुस्तासर कहते हैं कि वो बुरगजीदा नाम है जो अल्लाह ने अपने लिए इंतखाब किया है, उसका कोई जहूर नहीं हुआ आलम इमकान में, कोई जहूर नहीं हुआ। जब जहूर नहीं है तो मजहर भी नहीं है, वो फकत अल्लाह ताला ही उसे जानता है, वो अल्लाह ने अपने लिए चुना हुआ है, तो इसको इसमें मुस्तासर का नाम दिया। तो अलबत्ता इस बाद में ये ये कहा लफ्ज कि इसमें मुस्तासर का मजहर भी हो सकता है, वो बना मीम किसने सीन है, तीन किसने का? इस्तासरा इस्तासरा यस्तासिरो इस्तेसारा मीम सीन ते अलेफ से रे से दूसरा, मुझे आप जो बयान कर रहे थे कि जो इब्ने अरबी का नजरिया है कि अल्लाह का इसमें जो अल्लाह नाम है वो इसमें जात है, और दूसरा ये है कि जामे है ये तमाम सिफात का, और ये जामे इस तरह के है कि इसमें ताल्लुक भी है, और दूसरा बयान कर रहे थे खिलकत भी है सारी चीजों की, इसके अंदर ही मौजूद है, मतलब इसमें सिफात अलग से जी नहीं है। के हाँ, जब सिफात का जामे सिफात माना जाए तो तखल्लुक है, लेकिन इसमें जात माना जाए तो फिर नहीं है। लेकिन इब्न अरबी पे बाज उरफा ने इतराज किया कि नहीं, हम फिर भी ये इस में अल्लाह तखल्लुक के लिए नहीं है, ताल्लुक के लिए है, चाहे इसमें जात हो चाहे इसमें सिफात हो, तखल्लो के लिए, तखल्लो के लिए, कोई तखल्लो में तखल्लुक नहीं हो सकता इससे, चाहे इसमें जात हो या इसमें सिफात तखल्लुक का मतलब खिलकत मुमकिन नहीं है और चीजों हो। की, और ताल्लुक इस नहीं, उससे इर्तिबात, देखिए ताल्लुक एक निस्बत, निस्बत ताल्लुक मतलब ये निस्बत है, तखल्लुक यानी मुतखल्लिक होना के उसका रंग अपना लेना, रंगे इलाही नहीं कहते हैं सिर्फ वो यानी वो इलाह बन जाना उस तरह जो है। वो मुमकिन नहीं है, ये इब्ने अरबी का नजरिया। जी जी आज की दर्स से एक और याद आया कि जो इसमें फुतुहात में इब्ने अरबी ने जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, तो उन्होंने यही लिखा है कि जी जब उनका ज़हूर होगा तो ना सिर्फ मुसलमान मगर कुफ्फार भी, और जो सादिकीन हैं यानी चाहे वो कुफ्फार हों या मुसलमान, वो सब उनके साथ नजर आएंगे। सो ये बहुत ही वसीह नजरिया है माशाल्लाह। ये वसी नजरिया है इब्न अरबी का, बहुत ही ये वसी नजरिया है, इसमें कोई बाकी बचता नहीं है वैसे।